2 hours later. Hey guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope these guys aap theek honge, acche se honge, maze mein honge. To pehle main aapko kehta hu, meri taraf se aap sabko ahle islam ko Eid mubarak hai. Allah kare ye Eid hamare liye khushi ka paigham leke aaye, aman ka paigham leke aaye. और जो बीमार है अल्लाह उसको शफात करे, जो घर से दूर है वो अच्छी तरीके से ईद करेगा। तो अभी का प्लान नहीं है, अभी हम निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हुआ है, तो अभी गासी नहीं है, हमें मस्जिद में जाना है। मैं निकला हूँ घर से तो काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ है, तो अभी जल्दी जाना है मस्जिद में, अपनी मस्जिद है मस्जिद तकवा वटापुरा में, तो पहुँचेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर इंशाल्लाह ईद नमाज अदा करेंगे, तो देखेंगे दिन भर का क्रॉस क्या है, देखेंगे दिन भर का सीन, तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को एंड तक स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक वॉच करना। मैं रोड पर पहुंचा हूं, तो अभी इंशाल्लाह जाएंगे मस्जिद में, काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ है, तो इंशाल्लाह देखेंगे दिन भर का प्रोसेस क्या रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। पहुँचा हूँ वटापुरा में अपने एरिया में, तो अभी जाएंगे मस्जिद में, मस्जिद में पहुँचने वाला हूँ मैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ईद नमाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं दरख्वास्त सारे मुसलमान ईद मुबारक समूह कित पोट कर पका ईद ये अर्दा वो नौजवान कब्र साहब पगह से ईद इंशाल्लाह खुशी जो सिंपल सत साद ईद मनाओ अगर ऐसे कह वनी जवाना सत साद ईद क्या तुम मनाओ जवाना से हेल पता ऐसे कम कम नौजवान कब्र बन ऐसे कमन कमन माजन पन्न खन राय कमन कमन बेन पन बोर आज सपद खुशी ईद आज कमे करो ईद अगर तुंदिस महलस मज या दुकानदार कन तमिस गु दपस दुकानदार राय कदा कर टाज बंद ऐसे ना पाई कूतिया वह कब्र पसीला बन सिंपल ईद later Allah ka gaye to ye namaz hame padhi hai to abhi ka scene ye hai mujhe jana hai chacha ke ghar to mere sath hai mera cousin hai abhi jayenge to aap video mein bane rehna guys main nikla hu chacha ke ghar abhi to jayenge rizwan ke bhai ke paas mujhe kaam hai uske paas to wahi par milenge rizwan bhai ke paas ye mere tent haath mein uthaya hai to inshaallah kal bahut acha surprising vlog aayega to abhi ka scene hai mera wait kar raha hai फैसल भाई अभी इसी के भाई किससे जाएंगे घर और वीडियो में बने रहना। हम रिजवान भाई के घर से निकले, ये रहा मेरा कजन जो कि फैसल भाई है, मना शिव तो इसमें पितर बोए तो इसमें पितर बोए वो आ गए। अभी का चीज़ है अभी हम घर जाएंगे तो इंशाल्लाह घर में देखेंगे क्या प्रोसेस रहेगा, तो आप वीडियो में बने रहना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर आया हूँ, तो मैंने ईद नमाज पढ़ी है अपनी मस्जिद में, मस्जिद तकवा में, तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जब मैं घर आया था तो मम्मा ने बोला पहले दूध लेके आओ, तो फिर मैं गया था दूध वाले के पास, फिर मैं जब घर आ रहा था क्योंकि बच्चे थे वो पटाखे जला रहे थे, उन्होंने मुझे सीधे पटाखे लगाए पैरों में, तो मैं गिर गया था, तो फ़ोन की डिस्प्ले पूरी टूट गई है, पूरी टूट गई है, क्योंकि गए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस फ़ोन में, क्योंकि मैंने पैसे जमा किए हैं, फिर मैंने ये फ़ोन लाया है, इसी फ़ोन से मैं व्लॉग भी अपलोड करता हूँ, एडिटिंग भी करता हूँ, सब कुछ इसी फ़ोन से हो रहा है, तो गए मूड जो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं उन बच्चों को घर वालों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को यही सिखाते हो कि आप पटाखे जलाओ फिर किसी को फेंको फिर वो गिर जाएगा फिर उसको चोट आएगा, क्योंकि ये अच्छी बात होती है कि आप पटाखे जलाओ फिर फेंको किसी को तो वो गिर जाएगा। किसने कहा ये किसने लिखा है, ये किस हदीस में लिखा है कि आप पटाखे जलाओ फिर किसी को फेंको फिर किसी को लगाओ फिर वो होट हो जाएगा, किसने बोला ये? मुझे बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है, पता नहीं है ये व्लॉग मैं पूरा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा।
मैं निकलूँगा अपनी शॉप पर, तो शॉप मेरा बंद है, तो अगर कुछ सीन रहा तो मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ अपडेट भी दे दूंगा। क्या अपडेट दे दूंगा, कुछ फ़ायदा नहीं है अपडेट देने का। चलो देखते हैं आगे का सीन क्या रहेगा, तो आप फिर वीडियो में बने रहना। ये टेंट है तो ये मैंने अपने कज़न से लिया है, उसने रिजवान भाई के पास रखा था, ये हमारा टेंट है। तो कल हम जाएंगे कैंपिंग पर, तो इंशाल्लाह कल का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला ही है। आज मैं आया हूँ अपनी शॉप पर, तो अब मैंने चाय चाय पी है, तो आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, बहुत सारे अपडेट दे दूँगा मैं आपको। कल बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है, कैंपिंग व्लॉग आने वाला है, और कल हम तीन लोग जा रहे हैं, मैं और आदिल भाई और बशारत भाई। टेंट मैंने आपको दिखाया, टेंट भी मैंने लाया है। तो और दूसरी बात है, बहुत सारे सब्सक्राइबर कहते थे नदीम भाई आप एक छोटा सा मीटअप रखोगे, तो इंशाल्लाह मीटअप रखेंगे इंशाल्लाह पार्क में, वहाँ केक लाएंगे। जब 1K सब्सक्राइबर यूट्यूब पर कंप्लीट होगा तो वहाँ पर हम केक काटेंगे, सभी लोगों को बांटेंगे वो केक, जो जो जिस बंदे को वहाँ पर आना है। तो आप आइए, भाई को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी भाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि गाइस मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत मेरे हाथ में है, तो सपोर्ट आपके हाथ में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करते रहना एंड तक। सब्सक्राइबर कह रहे थे नदीम भाई क्यों नहीं कब आएगा, जब 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह क्यों नहीं आएगा। उसी के बाद आप 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करके 2 इंशाल्लाह मैं क्यों नहीं बना के दूंगा आपको, तो व्लॉग एंड करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आने से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को फॉलो करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, दुआ में याद रखना।